वर्ल्ड कप 2023 से पहले बाबर आजम की कप्तानी पर तलवार लटकते हुए दिख रही है। जब से पीसीबी के नए चेयरमैन बने हैं उन्होंने पाकिस्तान की टीम में बदलाव करने की बहुत कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं ओडीआई में पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप को वो ज़रूर जीते। और यहाँ पर बाबर आजम की अगर बात कर ले तो उनकी कप्तानी और उनकी परफॉर्मेंस पर प्रेशर ना आए, इसलिए पीसीबी ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस बार श्रीलंका के साथ जो खेलेंगे वो टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर अगर पाकिस्तान नहीं जीतती तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की टेस्ट की कप्तानी छीन ली जाएगी। T20 और वनडे की बात करें तो इस समय वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट की कप्तानी पर अभी तलवार लटकती हुई दिख रही है। अगर हम बाबर की कप्तानी पर एक बार नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका के साथ सीरीज़ खेलेगी जो 16 जून से शुरू होनी है। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है इस टेस्ट के लिए कप्तान भी बाबर आजम को ही चुना गया है। श्रीलंका में पाकिस्तान हारी तो बाबर की टेस्ट की कप्तानी जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो WTC साइकिल जो पिछला था पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। होम ग्राउंड पे उन्होंने मैचेस नहीं जीते, बाहर के ग्राउंड पे मैचेस नहीं जीते, तो कहीं ना कहीं अगर श्रीलंका के साथ नहीं जीती तो पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा खतरे वाली बात आ जाएगी, क्योंकि बाबर आजम की आखिरी कप्तानी होगी टेस्ट में। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे तो पाकिस्तान की बहुत सारी टेस्ट मैचेस सीरीज़ होनी है। वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होनी है। उसके बाद फरवरी 2024 और मार्च 2024 के बीच वेस्टइंडीज़ के साथ उनकी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ होनी है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं बाबर आजम पे बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडरा रखा है, क्योंकि अगर उनसे टेस्ट की कप्तानी इस वक्त छीनी गई तो शायद ODI वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस पे हमें असर वो दिख सकता है कि शायद वो टेस्ट की कप्तानी का प्रेशर ना झेल पाए और कहीं ना कहीं ODI वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए। कमेंट्स में बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।